हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आज भी हम लेकर के आए हैं बच्चों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग या सूखा रोग। ये हमारे देश में, भारत देश में जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ बहुत ही कॉमन है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि टीबी के लक्षण हम बच्चों में कैसे पहचाने, फैलने के क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट और जांचें क्या है और हमें कैसे करवाना है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए, जो हमारा देश है इसमें ओवरऑल पूरे विश्व के जितने टीबी के केसेस हैं उसमें से चौथाई केसेस हमारे यहाँ ही है, यानी 1/4 ऑफ टोटल टीबी के केसेस हमारे यहाँ ही है। और उसमें से जो कुछ स्टडीज हुई है तो देखा गया है कि जितने भी ओवरऑल इंडिया में केसेस है उसके 1/10 है वो बच्चों में होता है। और बच्चों को कहाँ से मिलता है? बच्चों को मिलता है बड़ों से, आसपास किसी को टीबी है उससे। तो इससे हमें ये पता चल गया जो टीबी है ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि एक को है तो दूसरे को नहीं हो सकती, ये एक दूसरे से फैलती है। तो फिर आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, अगर आपके बच्चे को बड़ों से बच्चों में अलग होते हैं लक्षण, देखिए बड़ों में हम टीबी में भी बहुत बार देखते होंगे, हमें पता होगा कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बलगम वाली खांसी है जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, तो आपको टीबी की जांच करानी है। बच्चों में जरूरी नहीं है कि खांसी ही हो। अगर बच्चे को हल्का हल्का बुखार रह रहा है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, आपने जांचें भी करा ली, इलाज भी करा लिया और वो बुखार हल्का हल्का है, अधिकतर सुबह से ज्यादा शाम में आता है और बच्चे को कमजोरी महसूस होती है, बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता है, पिछले महीने से इस महीने में आपको लग रहा है बच्चे के कपड़े ढीले हो गए हैं, जो बच्चे को पहले कपड़े आ जाते थे अब वो ढीला आ रहा है, और अगर आपने पहले का वजन देखा है तो अब के वजन में 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो का अंतर आ गया है। तो इन सब चीजों को पहचानते हुए आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कहीं ये टीबी तो नहीं है। या फिर अगर आपके घर में किसी को टीबी के कीटाणु आए हैं या किसी को टीबी का इलाज चल रहा है, 2 साल के अंदर अंदर किसी को टीबी का इलाज मिला है और आपके घर में बच्चे हैं, तो हमेशा ऐसे बच्चों की जांच करवानी ही करवानी है, कहीं बच्चे को टीबी के लक्षण तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि टीबी जो है क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक माने कि वो अंदर छुपी रहती है, जो टीबी का कीटाणु है वो अंदर छुपा रहता है, कभी निकल करके सामने जरूरी नहीं है जल्दी से आए। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे को दूसरी बीमारियां हो गई, उसके कारण जो शरीर कमजोर हो जाता है तब टीबी का कीटाणु है जो वो एक्ट करता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इन्फेक्ट करता है। ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अगर बच्चे को कभी खसरा हो गया है, बच्चे को कभी टाइफाइड हो गया है, बच्चे का जो खान पान है वो नहीं अच्छा है, तो ऐसे में जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो टीबी का कीटाणु निकल के सामने आ जाता है। तो यानी कि टीबी का कीटाणु छुपा हुआ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी डाउट है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, बहुत दिन हो गया बच्चा कुछ ठीक से खा पी नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, शायद वो बच्चे को हल्का गुनगुना सा बुखार भी रहता है, तो अपने शक को अपने मन में मत रखिए, तुरंत जाकर के आपको डॉक्टर से मिलना है और टीबी के लिए सही जो जांचें हैं वो करवानी है और इलाज लेना है अगर टीबी पॉजिटिव आता है तो। अच्छा, अगर आपके घर में किसी को भी पॉजिटिव है तो हमेशा का नियम है सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि किसी भी एक को टीबी आता है तो घर के सारे लोगों की टीबी की जांच होनी जरूरी है। अच्छा, जो ये मैंने बताया ये शुरुआती टीबी के लक्षण है। टीबी जो है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, उसके हिसाब से टीबी के लक्षण होते हैं। तो ये तो जनरल लक्षण है कि अंदर अभी छुपा हुआ है, ठीक से काम नहीं कर रहा कीटाणु, ठीक किसी एक अंग में काम नहीं कर रहा है, अभी वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो क्या आएंगे लक्षण? कि हल्का हल्का बुखार है, वजन नहीं बढ़ रहा है और भूख नहीं लग रही है। धीरे धीरे जब अगर टीबी का कीटाणु तेजी से काम करना शुरू कर देगा तो बुखार जो है वो बहुत तेज हो जाएगा, उस टाइम हो सकता है बच्चे को खांसी आने लगे। खांसी बलगम वाली भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है, जो कि दवाइयों से ठीक ना हो रही हो। और अचानक से बच्चा ज्यादा बीमार रहने लगेगा, सुस्त रहने लगेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है जो टीबी है वो अंदर फैल रहा है। तो ये सारे लक्षण है। अच्छा, अलग अलग अंगों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे दिमाग की टीबी है वो बहुत कॉमन है, ये इसमें लक्षण क्या होंगे, बच्चे को पहले तो शुरू में हल्का हल्का बुखार आता रहा, अचानक से 2-3 दिन में क्या हुआ कि बच्चे को झटके आ गए, बच्चे ने किसी तरह से झटका ले लिया, बच्चा बेहोश हो गया या बच्चे का किसी तरह एक अंग काम करना बंद कर दिया। अगर ऐसी कोई भी चीज होती है या बच्चा अचानक से गिर पड़ा, बेहोश हो गया,
या वो अजीब सी बातें करने लगा, बड़बड़ाने लगा, ऐसे नहीं लगा कि वो होश में है, अजीब सी बातें कर रहा है। कुछ भी ऐसा होता है कि लगातार बुखार रहने के बाद अचानक से बच्चे के दिमाग में कुछ अजीब सी चीज हो गई है, तो हो सकता है ये भी टीबी हो। अगर बच्चे को फेफड़े का टीबी है तो बच्चे की पसलियां चलने लगेंगी, उसको खांसी बहुत तेज होगी, साई साई की आवाज आएगी, हो सकता है बच्चे नीला भी लगने लग जाए, तो ये फेफड़ों की टीबी हो सकती है। कई बार जो टीबी है ये गांठों की होती है। गांठों में क्या होगा, बच्चे की जो गर्दन है, गर्दन की गांठें, बगल में गांठें, पैरों के ऊपर होते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, वहां वो गांठें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी, धीरे धीरे साइज उनका बढ़ेगा, बच्चे को दर्द भी हो सकता है। तो गांठों की टीबी भी बहुत कॉमन है इंडिया में। तो अगर कोई भी चीज आपको डाउट लगती है कि ये टीबी हो सकता है या नहीं भी है, बट आपको शक है कि ये किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाना है। अच्छा, ये सारी लक्षणों की बात हो गई। अब हम आते हैं कि बच्चे के जब शक है तो हम टेस्ट क्या क्या करवाते हैं। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, सारे डॉक्टर जो टेस्ट है जरूर लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो बलगम की जांच होती है। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है, वो बलगम नहीं निकाल पाता है, तो फिर उसके पेट में एक छोटी सी पाइप डाल करके वो पेट के पानी की जांच की जाती है। एक मेंटू नाम का, या मोंटुक्स कुछ लोग बोल देते हैं, वो टीका होता है जो बाजू में लगाया है, जो यहाँ पे हाथ पे लगाया जाता है, उसे 3 दिन बाद टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। अगर वो पकता है तो टीबी की शंका होती है। एक छाती का एक्सरे कराया जाता है, जिसमें अगर कुछ फेफड़ों में फैला है टीबी, या शुरुआत में अधिकतर फेफड़े में ही टीबी होता है, तो उसके लक्षण उसमें दिख जाते हैं। चौथी जांच है जो अभी आई है और सरकार की तरफ से फ्री में भी हो रही है, वो बोलते हैं सीपी नेट। ये भी जो है, ये बलगम में या फिर पेट के पानी में ये जांच की जाती है, या फिर कहीं और का अगर टीबी लग रहा है, कोई डाउट है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसके बारे में लिख देंगे, लेकिन जांच का नाम होता है सीबी नेट, जो कि जिसकी रिपोर्ट है 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है, और उससे एकदम कंफर्म हो जाता है कि टीबी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगी कि कई बार टीबी की जो जांचें हैं एकदम पॉजिटिव नहीं आती हैं, क्योंकि ये बच्चे की न्यूट्रिशन पर और कितने दिनों से बीमारी फैली है, कितने धीरे धीरे डेवलप हुई है, इस पर डिपेंड करता है। तो फिर कई बार डॉक्टर शक के बिना पे भी टीबी का इलाज शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमें डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है कि डॉक्टर को क्या लग रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो कोशिश है वो नहीं छोड़नी है। अगर कहीं पे भी डाउट है तो तुरंत जाके हमें डॉक्टर से जरूर मिलना है। तो ये हो गई लक्षण और जांच के बारे में। अच्छा, टीबी का इलाज जो है ये 2-3 प्रकार से होता है। इसमें क्या है कि प्राइवेट तो आपको दवाइयां मिल ही जाती हैं, जो कि बहुत महंगी नहीं है, साथ के साथ सरकारी डॉट्स नाम की जो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी शुरू किया है, डॉट्स नाम का प्रोग्राम है, उसके अंडर आपको सरकारी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं। और जानने की बात यह है कि ये भी बहुत अच्छी कंपनी की दवाइयां हैं। उसके लिए बस आपको डॉक्टर से लिखवा करके डॉट्स जो सेंटर है वहां रजिस्टर कराना होता है, और आपको बच्चे के वजन के हिसाब से जो डोज डॉक्टर ने लिख के दिया है उसके हिसाब से वहां दवाइयां मिल जाएंगी। अच्छा, ये इलाज के बारे में मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर का काम है, वो अपना काम ठीक से करेंगे और वो दवाइयां बताएंगे। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसका कोर्स अलग अलग होता है। बच्चे को किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है दवाइयों से, उस हिसाब से कोर्स चलाया जाता है। कॉमनली जो होता है, 2 महीने ज्यादा तरह की दवाई दी जाती है, 4-5 प्रकार की दवाई दी जाती है, और 2 महीने बाद जब बच्चे का थोड़ा आराम आ जाता है तो दवाइयों को कम कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो एक बार दिखा करके चले गए और वो टीबी की दवाई अपने हिसाब से खिला रहे। कई बार 3-4 महीने तक बच्चा वही पुरानी जो 2 महीने के लिए बताई गई थी, 4 महीने तक बच्चे को दवाई खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से बीच बीच में आके मिलना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर साहब, हम इतने दिनों से दवाई दे रहे हैं, अब और कितने दिन देना है, और आप बच्चे को और क्या चेकअप करा के देखना चाहते हैं कि बच्चे को और कितने दिन किस प्रकार की दवाई चलेगी। तो इससे के डॉक्टर से बीच बीच में कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई इलाज की बात। अब साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो टीबी की दवाई है ये देनी बहुत जरूरी है, लेकिन जो कीटाणु है टीबी का, ये बहुत जिद्दी है। इसको मारने के लिए थोड़ी सी हाई दवाइयां चलाई जाती हैं, जिसका असर लिवर पे पड़ सकता है। तो फिर आपको ये देखना जरूरी है कि बच्चे को टीबी की दवाई शुरू करने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कहीं बच्चे को दवाई देने के बाद रोज उल्टी तो नहीं हो रही है, बच्चे को पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चों की आंखों में पीलापन तो नहीं आ गया है, बच्चा पहले से दवाइयों से ठीक होने की बजाय और बीमार तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही है तो आपको डॉक्टर को आकर तुरंत दोबारा मिलना है। इससे कई बार टीबी की जो दूसरे लेवल की दवाइयां होती हैं वो शुरू की जाती हैं, अगर ऐसा लगता है कि जो पहले लेवल की दवाइयां हैं उससे साइड इफेक्ट हो रहा है।
तो इस चीज का ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि हार्ड दवाई इसलिए बच्चा उल्टी करते जा रहा है, नहीं, तुरंत बच्चे से, अगर 3-4 दिन तक बच्चे को दवाई नहीं हजम हो तो आपको डॉक्टर को दोबारा मिलना है, डॉक्टर साहब शायद दवाइयां बदलनी होंगी या डॉक्टर खुद डिसाइड कर लेंगे। तो ये साइड इफेक्ट की बात हो गई। चौथी चीज आती है न्यूट्रिशन की, खान पान की। खान पान का बहुत ज्यादा रोल है टीबी में, क्योंकि देखिए जो टीबी शुरू होता है ये भी इसलिए शुरू होता है कि बच्चा पहले से कमजोर है। ये पाया गया है कि जो लोग बच्चों को अच्छा खान पान दे रहे हैं, जिनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, जो अपनी उम्र के लिए सही उम्र, सही वजन के और सही लंबाई के हैं, उनमें ये बीमारी कम होती है, या अगर होती भी है तो वो सिर्फ फाइट कर लेता है। लेकिन अगर जो बच्चा कमजोर होता है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, ऐसे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा खुलकर सामने आती है और ज्यादा सीरियस भी होती है, और ऐसे ही बच्चों में दवाइयों का असर भी कम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी कमजोर है, या बच्चा लग रहा है कि उम्र के हिसाब से सही नहीं पनप रहा है, तो बच्चे को इसके लिए भी ट्रीट कराइए कि कहीं आगे को कोई और बीमारियां ना पकड़ ले। तो फिर इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए न्यूट्रिशन का रोल आता है। अगर आपका बच्चा कमजोर है, उसको टीबी डायग्नोज हो गया है, पता चल गया है कि बच्चे को टीबी है और टीबी की दवाइयां चल रही हैं, तो खान पान का बहुत ध्यान दीजिए। जो बैलेंस डाइट होती है वो देनी जरूरी है, और बैलेंस से एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जो प्रोटीन है जिससे शरीर बनता है, वो प्रोटीन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक तो बीमारी से लड़ रहा है, साथ में उसके शरीर को जो नॉर्मल रूटीन की डाइट की जरूरत होती है वो भी उसे लेना ही लेना है। तो इसके बारे में मैं और, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं एक और वीडियो में इसको कवर करूंगी कि टीबी में बच्चे को डाइट क्या देनी चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मल बच्चों में आ गया टीबी की बात। यहाँ पे क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही बताता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो माँ बनने वाली है, अगर उनको टीबी हो गया है तो भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो बहुत अच्छी डाइट लें, ताकि बच्चे को टीबी ना हो। क्योंकि अगर माँ को टीबी होता है तो बच्चे को फैलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसके साथ जब डिलीवरी हो जाती है तो उसी समय अगर माँ को टीबी है और उनको दवाई चल रही है, तो बच्चे का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए खास ध्यान रखना पड़ता है, वो डॉक्टर सारा बता देते हैं कि कितने दिन तक बच्चे को अगर दूध पिला रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी है, बच्चे के कांटेक्ट में रहना है नहीं रहना है, कब तक नहीं रहना है, और साथ में बच्चे को क्या दवाई चलेंगी। अगर माँ से बच्चे को टीबी मिल गया है तो उसका भी इलाज होता है, नहीं भी मिला है तो उसका भी इलाज होता है, उसमें भी बच्चे को कुछ टाइम का कोर्स देना पड़ता है। ये मैं आगे कवर करती हूँ प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस एक चीज होती है टीबी में, ये सब क्या है। देखिए, प्रिवेंशन में तो ये बात ध्यान हमें रखनी है कि अगर आसपास किसी को भी टीबी है और आपको पता है कि इनको टीबी आया है, इलाज चल रहा है, और 2 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो चुका है, तो आपको बच्चे का चेकअप जरूर करवाना है टीबी के लिए। और घर में ही किसी को बलगम में पॉजिटिव है टीबी, यानी कि बलगम में कीटाणु आया है, तो घर के बच्चों को प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। प्रोफाइलेक्सिस में 3 से 6 महीने का एक कोर्स होता है, जो कि कम दवाइयों का दिया जाता है, कि अगर छोटा मोटा कीटाणु है भी तो वो खत्म हो जाए और बच्चे को और सीरियस बीमारी ना हो, तो वो देना भी बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे को अगर आपके घर में है तो डॉक्टर के पास ले जाइए और चेकअप करवाइए। दूसरी चीज, BCG नाम का टीका होता है, जो जन्म पे ही जो भी हॉस्पिटल में डिलीवरी है सबको लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को BCG का टीका नहीं लगा है तो वो जरूर लगवाइए। देखिए, BCG का टीका 100% टीबी को कवर तो कंट्रोल तो नहीं करता, लेकिन ये उसकी सीरियसनेस को कम करता है। जैसे कि अगर टीबी हुआ है तो वो दिमाग पर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं करेगा, इन सब चीजों को कंपैरेटिवली कम करता है। इसीलिए BCG का टीका लगाना बहुत जरूरी है। और टीका लगने के बाद ये भी आपको देखना है कि वो टीका पका है या नहीं। BCG का जो टीका है वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर पक जाता है। इसका पकना बहुत जरूरी है, इसका मतलब वो जो टीका है उसने सही से काम किया है। अगर आपके बच्चे को BCG का टीका लगा है जो कि बाएं कंधे में ऊपर लगता है, तो उसको देखते रहिए कि वो पक रहा है या नहीं पक रहा है। 1 से 2 महीने के बाद वो पकना चाहिए। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद अगर बच्चे को टीबी हो गया है तो जो उसका इलाज है वो तो आपको पूरा करना है, साथ में न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आप लोगों को सहायता देने के लिए कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। इसमें से एक निक्षय नाम का ऐप है, जो भी लोगों को टीबी है वो निक्षय नाम का ऐप डाउनलोड करके उसमें नोटिफाई कर सकते हैं, नाम, एड्रेस, एज वगैरह बता करके कि हमारे बच्चे को टीबी है, किस प्रकार की टीबी है, वो नोटिफाई हो जाती है। जब सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, 500 से 600 कैलोरी एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जो सरकार की तरफ से मिल रही है।
अच्छा होगा अगर आप लोग भी इसके फायदा उठाएं। तो फिर ये टीबी के बारे में जानकारी हो गई मोटी मोटी, जो आप लोग समझ सकते हैं और अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है टीबी के बारे में तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, मेरी वेबसाइट का नाम है akmhl.co.in, वहां पर जाकर के पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो उसको जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आगे फॉरवर्ड करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए आई के एम आई चाइल्ड चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।